जबलपुर के जिला शिक्षा कार्यालय में शिवसेना द्वारा प्रदर्शन किया गया तथा ज्ञापन भी सौंपा गया। आज हर एक व्यक्ति शिक्षा के विषय पर त्रस्त है, अपने बच्चों को किस तरह से पीड़ित होकर वो पढ़ा रहा है, ये उनकी आत्मा से पूछिए आप। तो ये चीज़ें हमने आज इनके संज्ञान में डाली हैं, क्योंकि हमारे निरंतर कई दिनों से आंदोलन जारी है। आज हमने इनको अंतिम चेतावनी दी है कि अगर शिक्षा के विषय में जो लूट चल रही है उस पर कार्रवाई नहीं होती, किताब कापियों में जो लूट चल रही है, कमीशन खोरी चल रही है, ड्रेसों में जो कमीशन खोरी चल रही है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हमने इनका घेराव किया और ज्ञापन दिया। अगर ये 7 दिनों में उचित कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर आके धरना देंगे और इसके आगे उग्र आंदोलन चालू रहेगा। आज 4 सूत्री मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया है शिवसेना वालों ने, इसमें 4 बिंदु हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में फीस स्तर का मामला है ना, और ये जो RTI के अंतर्गत बच्चों को एडमिशन देते हैं उसमें कमीशन खोरी के मामले की शिकायत है। तो इन सारे बिंदुओं को हम DO साहब को संज्ञान में ला देंगे, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ, उनको बता देंगे और इस पर ठोस कार्रवाई DO साहब कर भी रहे हैं और इस कार्रवाई को अगर आगे बढ़ाते हैं। क्या कारण सर जो विगत इतने समय पूर्व से ही जो ये लोग कार्य कर रहे हैं उनकी किसी भी प्रकार से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है? अब देखिए, इतना बड़ा जिला है, बहुत बड़ा विभाग है, काम तो अपन करते ही हैं, काम केवल हम ही को नहीं कर रहे हैं, DO भी करता है, DPC भी करता है और साथ में आपके जिला कलेक्टर को भी बहुत काम करना रहता है, सब मिलकर धीरे धीरे असर आएगा, चीजें सुधर जाएंगी। और सर जो सबसे ज्यादा कमीशन खोरी की वारदात सामने आ रही है, इसमें कमीशन खोरी जो बुकों में चलती है उस विषय में कुछ बताएं। संज्ञान में ले लिया जी, जी मैडम के भी संज्ञान में आया जी, उन्होंने भी अभी अंतिम बताया था कि इसको देख लें। तो हमने कहा था कि मैडम वो पुस्तक के संबंध में जो पुस्तक विक्रेता है उसकी जाँच करने के लिए SDM को, क्षेत्रीय SDM को बोला जाए, तो वो कह रही थी दुबे यहाँ बारी सामने देखें। सर एक मिनट सर, चलिए